स्वागत है द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स में। आज हम आपको बताएंगे अमेज़न रेनफॉरेस्ट के 10 सबसे आश्चर्यजनक और चौंका देने वाले फैक्ट्स। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अमेज़न रेनफॉरेस्ट को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। यह धरती पर मौजूद ऑक्सीजन का 20% उत्पादित करता है, जबकि यह पृथ्वी की सतह का केवल 2% हिस्सा कवर करता है। यह विशाल जंगल 67 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो भारत के आकार का लगभग 2 गुना और यूनाइटेड किंगडम के आकार का 28 गुना है। यह 9 देशों में फैला हुआ है, ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनाम और फ्रेंच गयाना। क्या आप जानते हैं कि अमेज़न और सहारा रेगिस्तान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? सहारा रेगिस्तान की धूल, जो फास्फोरस और अन्य खनिजों में समृद्ध है, हवा के जरिए अमेज़न तक पहुंचती है और वहां की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। यह धूल हर साल लगभग 2,87,00,000 टन पोषक तत्व अमेज़न के जंगलों में पहुंचाती है, जो वहां के पेड़ों और पौधों को फलने फूलने में मदद करती है। यदि आप सहारा रेगिस्तान के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो हमारा जानकारी पूर्ण वीडियो देखें। अमेज़न रेनफॉरेस्ट का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं की महिला योद्धाओं अमेज़न्स के नाम पर पड़ा। जब स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को दे ओरेलाना ने 1541 में इस क्षेत्र का पता लगाया तो उन्होंने स्थानीय महिला योद्धाओं के साथ लड़ाई की, जो बहुत बहादुर और ताकतवर थी। उनके साहस से प्रेरित होकर उन्होंने इस क्षेत्र को अमेज़न नाम दिया। अमेज़न 47 मिलियन लोगों का घर है, जिनमें 400 से अधिक आदिवासी समूह रहते हैं। ये लोग 300 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। इन समूह में से 50 से अधिक समूह ने बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं किया है, जो इस जंगल के अनटच्ड हिस्सों को दर्शाता है। अमेज़न में पृथ्वी की 10% प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां 40,000 पौधों की प्रजातियां, 3,000 मछलियों की प्रजातियां, 1,300 पक्षियों की प्रजातियां, 430 स्तनधारियों की प्रजातियां और 2.5 मिलियन कीड़ों की प्रजातियां रहती हैं। अमेज़न रेनफॉरेस्ट केवल जैव विविधता का घर नहीं है, बल्कि एक विशाल औषधीय खजाना भी है। सिंचोना पेड़ से मिलने वाली क्वाइनाइन दवा का उपयोग मलेरिया के इलाज में होता है। कैट्स क्लॉ नामक पौधा, जो केवल अमेज़न में पाया जाता है, अपनी एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि मेंढकों की कुछ प्रजातियों के विष का उपयोग दर्द निवारक और एंटीबायोटिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जो हर सेकंड 2,09,000 क्यूबिक मीटर पानी महासागर में छोड़ती है। यह नदी की लंबाई 6,840 किलोमीटर है। और हाँ, 2007 में मार्टिन स्ट्रेल नाम के व्यक्ति ने इस पूरी नदी को तैरकर पार किया। उन्होंने यह सफर 66 दिनों में पूरा किया, रोजाना 10 घंटे तक पानी में तैरते हुए। अमेज़न नदी कई जीवों का घर है। अरापा मछली, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक है, 3 मीटर तक लंबी और 200 किलो तक भारी हो सकती है। गुलाबी अमेज़न डॉल्फिन, जिसे बोटो कहा जाता है, इस नदी में पाई जाती है। ये डॉल्फिन अपनी खास गुलाबी त्वचा और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है। ये दोनों प्रजातियां केवल अमेज़न के वर्षावनों में पाए जाते हैं। अमेज़न के पेड़ हर दिन 20 बिलियन टन पानी वायुमंडल में छोड़ते हैं, जो दक्षिण अमेरिका में बारिश के चक्र को बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही ये जंगल 150 से 200 बिलियन टन कार्बन को स्टोर करता है, जिससे यह ग्लोबल वार्मिंग को रोकने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक कार्बन सिंक बनता है। लेकिन लगातार हो रही कटाई और वाइल्ड फायर के कारण यह अब कार्बन उत्सर्जन का स्रोत बनने की ओर बढ़ रहा है। अमेज़न के जंगलों का एक हिस्सा हर मिनट 5 फुटबॉल मैदानों के बराबर कटता है। 2022 के पहले 9 महीनों में ब्राजील में जंगलों की कटाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जंगल की कटाई का मुख्य कारण पशुपालन, खेती और खनन है। हाल के वर्षों में सोने की खदानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ये खदाने न केवल जंगल को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पानी को जहरीला और मिट्टी को इरोजन के कगार पर पहुंचा रही है। आज अमेज़न का 17% हिस्सा नष्ट हो चुका है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि अगर यह 25% तक पहुंच गया तो यह जंगल खुद को बनाए रखने में असमर्थ हो जाएगा और रेगिस्तान में बदल सकता है। यह पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे अमेज़न रेनफॉरेस्ट के चौंकाने वाले फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
जुड़े रहिए द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स के साथ। अगली बार मिलते हैं एक नए और रोमांचक विषय के साथ।